अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इस क्लास में तमाम तुलबा को जो मौजूद हैं उन्हें भी और जो देख रहे हैं व्यूवर्स नाज़रीन उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। ये फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। क्या नाम है? इंट्रोडक्शन टू द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन टू द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये हमारी पहली वीडियो केमिस्ट्री के हवाले से है, और पहली तो नहीं, मकसद ये कि वीडियो के हवाले से फर्स्ट है, लेकिन इससे पहले भी हम इस कई दफ़ा गुफ्तगू कर चुके हैं। यस, आज जो हम करने वाले हैं वो बुक का क्वेश्चन नंबर, चैप्टर नंबर वन है, और इसका क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं किया था, क्वेश्चन नंबर 8 और पेज नंबर, जो बुक का पेज नंबर है, तवज्जो है, पेज नंबर है 28। 28 पे ये मौजूद है डेटा। सबसे पहले हम डायरेक्टली डेटा बनाएंगे इसको, अगर आप देख सकें, अगर आपको ये दिखा सके कैमरा, ये क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने मौजूद है, अगर आप देख सकें इसको। बहरहाल यहाँ पे मैं पढ़ देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। जी, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 8, एसेटिक एसिड एक कंपाउंड है, कंटेन्स कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर मबनी है, जिसमें 4.24 ग्राम ऑफ सैम्पल ऑफ एसेटिक एसिड है। यहाँ पे जो एसेटिक एसिड कंपाउंड है उसका जो मास है वो दिया हुआ है 4.24 ग्राम, तो ये मास ऑफ कंपाउंड कहलाएगा। क्या बोलेंगे इसे? क्या नाम है कंपाउंड का? एसिटिक एसिड नाम है कंपाउंड का, और ये दिया हुआ है 4.24 ग्राम, 4.24 ग्राम। ओके, उसके बाद फिर वो कह रहे हैं आगे, ऑन कंप्लीट कम्बशन, जब इसको मुकम्मल तौर पे जलाया जाता है, तो गैप 6.21 ग्राम ऑफ CO2, तो इसके केमिकल रिएक्शन के नतीजे में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस 6.21 ग्राम बनती है। तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो प्रोड्यूस हुई, डेट इज 6.21 ग्राम। ओके, उसके बाद आगे कह रहे हैं 2.54 ग्राम ऑफ H2O, मास ऑफ H2O। अब आपके जहन में एक सवाल पैदा होना चाहिए कि जब किसी चीज़ को जलाते हैं, पानी आग को ठंडा करता है या आग पैदा करता है? जो पानी है वो आग पैदा करता है या आग को ठंडा करता है? फायर को ठंडा करता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब इस एसिटिक एसिड कंपाउंड को कम्बस किया जाता है, जलाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है और पानी पैदा होता है। क्या पैदा होता है? फिर किसी दिन इस पर बहस करेंगे कि पानी कहाँ से आ गया आग जलने पर। तो मास ऑफ H2O वाटर 2.54 ग्राम वाटर पैदा हो गया। ओके, 2.54 ग्राम ऑफ H2O पैदा हो गया, और द मालिक्यूलर मास ऑफ एसिटिक एसिड इज 60, जो मालिक्यूलर मास है एसिटिक एसिड यानी कंपाउंड का, मास ऑफ, सॉरी, मालिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। अब मैं जब लफ्ज़ कंपाउंड इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इससे मुराद एसिटिक एसिड याद है, डेट इज 60। क्या कह रहे हैं? फाइंड, मालूम कीजिए एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड यानी कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला बताइए, एंड मालिकुलर फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का मालिकुलर फार्मूला बताइए। तो फाइंड क्या बोले? एम्पेरिकल फार्मूला पहले आएगा, पहले क्या है? एम्पेरिकल फार्मूला, ई एफ से शो कर सकते हैं, ऑफ कंपाउंड एसिटिक एसिड, और दूसरा
मॉलिक्यूलर फॉर्म। और मॉलिक्यूलर फार्मूले को MF की अलामत से शो किया जाता है। ये कैलकुलेट करना है, आपके सामने सिचुएशन आ गई है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। स्टेप इसके कितने? ये क्वेश्चन 5 स्टेप्स में सॉल्व होगा। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। जो 5 स्टेप है उसमें फिर हम एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर लेंगे। स्टेप 5 में उन स्टेप्स को हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। पहला स्टेप 1 क्या था सोल्यूशन में? क्या हेडिंग होगी बोलिए? स्टेप नंबर 1। कोई बात नहीं, स्टेप नंबर 1। इसका नाम है मास ऑफ एलिमेंट्स। क्या मतलब हुआ इसका? किस कौन से एलिमेंट्स के मास, यानी जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इनके मासेस क्या होंगे? वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिटिक एसिड है, जब वो जला है तो उसके नतीजे में इनके मासेस क्या होंगे? तो सबसे पहले किसका मास निकालेंगे हम? बोले मास ऑफ कार्बन। अच्छा, कार्बन का मास ये कैलकुलेट, यानी कोई भी कंपाउंड जब कम्बस होता है या केमिकल रिएक्शन के नतीजे में कोई एलिमेंट बनाता है, तो जो उसका मास है उसको मालूम करने का तरीका क्या है? 1 मोल लेंगे उस एलिमेंट का, डिवाइड करेंगे किससे? 1 मोल ऑफ उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला CO2 से। क्या होगा बोले? 1 मोल ऑफ क्या आएगा यहाँ पे? 1 मोल ऑफ कार्बन आएगा, डिवाइडेड बाय, फिर 1 मोल आएगा दोबारा। ये किसके 1 मोल आएंगे? 1 मोल ऑफ, ये कार्बन कहाँ से आया? CO2 से इसका ताल्लुक है, तो 1 मोल ऑफ CO2। और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे इस रकम को किससे? मास ऑफ CO2 से, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मास गिवन है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा बोलिए? मास ऑफ CO2। यानी आपको शुरू में मुश्किल सा लगेगा, जैसे बहुत ही कोई मुश्किल फार्मूला आ गया सामने, लेकिन बहुत ही आसान है। 1 मोल ऑफ C डिवाइडेड बाई 1 मोल ऑफ CO2 मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ CO2। अच्छा, 1 मोल ऑफ C का मतलब क्या है? 1 मोल ऑफ कार्बन। कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है बोलिए? 12। कार्बन का 12 AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट में। अगर हम 12 ग्राम कार्बन ले लें, क्या ले लें? तो दिस इज कॉल्ड 1 मोल ऑफ कार्बन। तो 1 मोल ऑफ कार्बन का मतलब क्या हो गया? 12 ग्राम ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय ये 1 मोल ऑफ CO2। अब यहाँ पे जो CO2 है, इसका CO2 का जो मास है, इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या निकलेगा? कार्बन क्या 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 होता है? 12। ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, क्योंकि 2 एटम है ऑक्सीजन के। तो क्या हो जाएगा? 12 प्लस 16 टू द बोलिए 32। 12 में 32 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 44। इसका 44 ये CO2 का मास आया। अगर हम 44 ग्राम CO2 ले लें, क्या 40 ग्राम, तो दिस इज कॉल्ड 1 मोल ऑफ CO2। क्या बोलेंगे इसे? तो 1 मोल ऑफ CO2 का मतलब क्या हो गया? 44 ग्राम मल्टीप्लाई बाय, फिर किसका मास आएगा यहाँ पे? मास ऑफ CO2। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मास कितना दिया है? मास ऑफ CO2 इज 6.21, 6.21। अब हमने क्या करना है? 12 को डिवाइड करना है 44 से, मल्टीप्लाई करना है 6.21 से। चलो, और सही से करना, देख के वो गलती नहीं हो। 12 पहले 12 लिखें, 1 2 डिवाइडेड बाय 4 4, 44 इज इक्वल टू का बटन दबाएँ, फिर मल्टीप्लाई बाय 6.21। क्या आया बोलिए? 1.693। तो मास ऑफ कार्बन फिर से बताएं, 1.693 693 ग्राम। तो ये मास ऑफ कार्बन आ गया। तो हमारा जो स्टेप 1 था, इसमें हमने मास ऑफ एलिमेंट्स निकालना है। पहले मास ऑफ कार्बन आ गया, उसके बाद अब मास ऑफ हाइड्रोजन मालूम करेंगे। तो अब मास ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे? देखिए, मैं सी में चेंज कर रहा हूँ, मास ऑफ सी की जगह क्या आ जाएगा? मास ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा। अब यहाँ क्या लेंगे? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लेंगे जेड के लिए, फिर डिवाइडेड बाय 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन किस का ताल्लुक किससे है? H2O से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? H2O। फिर मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ CO2 आया था, यहाँ पे क्या आएगा? मास ऑफ H2O आ जाएगा। इज डेट क्लियर? बिल्कुल सेम मास ऑफ कार्बन की तरह ही मास ऑफ हाइड्रोजन है। अच्छा, 1 मोल ऑफ H2। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 1 होता है। तो H2 इसका जो मॉलिक्यूल है, इसका एटॉमिक मास क्या होगा? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। तो H2 इसमें 2 एटम है, तो क्या हो जाएगा? 2। अगर हम 2 ग्राम H2 ले लें, 2 ग्राम H2 ले लें, तो डेट इज इक्वल टू वॉट?
वन मोल ऑफ एच टू, नहीं समझे बात को? इसका मतलब है कि अगर एक मोल आप एच टू ओ का लेंगे तो किसके बराबर होगा? 2 ग्राम के बराबर होगा। तो वन मोल ऑफ एच टू इज इक्वल टू 2 ग्राम। यस, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा। तो मास ऑफ हाइड्रोजन, वन मोल ऑफ एच टू की जगह क्या है? 2। अच्छा, अगर यहाँ एच टू नहीं होता, सिर्फ एच होता, तो फिर क्या लेते हैं यहाँ? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, तो 1 मोल 1 ग्राम के बराबर होता। लेकिन यहाँ पे चूंकि एच के साथ 2 है, लिहाजा आपको 2 ग्राम लेनी पड़ेगी हाइड्रोजन, तो डेट इज़ इक्वल टू 1 मोल। तो 1 मोल बराबर है 2 ग्राम के, 1 मोल ऑफ एच टू ओ। अब बताएं एच टू ओ का क्या होगा? एच टू ओ, इसका मॉलिकुलर मास क्या निकलेगा? हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1 होता है मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 1 2 2 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ एच टू ओ। क्या है मास ऑफ एच टू ओ? गिवन है डेट इज 2.54 की, नहीं करें इसको 2 डिवाइडेड बाय 18, 2 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 2.54, 0.282 ग्राम। डेट इज मास ऑफ व्हाट? हाइड्रोजन। तो एक दफा फिर करें, देखो 2 डिवाइडेड बाय 18 तेजी से मल्टीप्लाई बाय 2.54, 2.2 पॉइंट, क्या है 2.54 है ना? 0.282। सही है, ठीक है। तो मास ऑफ हाइड्रोजन निकाल लिया, क्या आ गया बोलिए? मास ऑफ हाइड्रोजन आ गया 0.2 ग्राम। अच्छा, मैं इसको कहीं लिख लूँ क्या? यहाँ लिख लेता हूँ मैं। मास ऑफ कार्बन क्या है बोलिए? मास ऑफ कार्बन 1.693 ग्राम। और मास ऑफ हाइड्रोजन क्या निकला है? 0.2। ओके, अच्छा अब मास ऑफ ऑक्सीजन हम नहीं निकालेंगे अभी। मास ऑफ ऑक्सीजन मालूम क्यों? अब हम परसेंटेज निकालेंगे कि किस परसेंटेज के साथ ये एलिमेंट्स मौजूद हैं। फिर 100 में से कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज मालूम कर माइनस करके हम ऑक्सीजन की परसेंटेज निकाल लेंगे। यहाँ पे हम थोड़ी सी चालाकी करेंगे, यानी हम मास ऑफ ऑक्सीजन अभी नहीं निकाल रहे। ओके, उसकी वजह ये है कि जो ऑक्सीजन है वो दोनों में है, इसमें भी है और इसमें। कार्बन तो सिर्फ एक में ही था CO2 में, हाइड्रोजन सिर्फ एक में था H2O में, लेकिन अब ऑक्सीजन तो दोनों में कॉमन है ना। लिहाजा इसको इस तरह से मालूम नहीं किया जा सकता कि पहले मास ऑफ ऑक्सीजन निकालें। तो बेहतर तरीका क्या होगा? हम क्या करेंगे कि हम सेकंड स्टेप में जाएंगे, परसेंटेजेस निकालेंगे और उसके बाद फिर ऑक्सीजन की परसेंटेज निकाल लेंगे स्टेप टू में। ओके, देखिए क्या होगा। स्टेप नंबर टू, आई एम गोइंग टू स्टेप स्टेप नंबर टू। ये डेटा आपके सामने मौजूद है सॉल्यूशन का, स्टेप नंबर टू। इसका क्या नाम था? स्टेप नंबर टू का परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स। तो पहले किसकी बारी है? कार्बन की। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन को आप सिर्फ इस तरह लिख सकते हैं, परसेंटेज ऑफ कार्बन। ओके, इसका फार्मूला क्या बताया था याद करें? मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड एसिड। कौन सा कंपाउंड दिया हुआ था सवाल में? एसिटिक एसिड दिया हुआ था। तो मास ऑफ कंपाउंड यानी एसिटिक एसिड, ये मल्टीप्लाई बाय क्या होगा? 100। परसेंटेज मालूम करने के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना। जिस तरह आपको अगर अपनी परसेंटेज निकालनी है, फर्ज कर लें कि 100 नंबर का पेपर था, ठीक है, और आपने लिए कितने मार्क्स? 80 मार्क्स। 100 नंबर, बल्कि इसको भी छोड़ दें, फ़र्ज़ कर लें कि आपने एग्ज़ाम दिया, वो जो एग्ज़ाम था वो टोटल 500 मार्क्स का था। कितने मार्क्स का? 500। और आपने मार्क्स लिए, फ़र्ज़ कर लें कि एक मिसाल दे रहा हूँ, 450। तो बताएं फिर आपकी क्या परसेंटेज बनी? तो 450 को डिवाइड करेंगे 500 से और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? करना या अलग से एक बात आ गई है ऐसे डिस्कस कर रहे हैं। 500 नंबर का एग्ज़ाम था, आपने 450 मार्क्स हासिल किए, तो 500 में जब आप 450 मार्क्स लेंगे तो आपकी क्या परसेंटेज बनेगी? 90।
तो इसी तरीके से मास ऑफ कार्बन जो आपने कैलकुलेट किया है, मास ऑफ कार्बन है 1.693, डिवाइड कर देंगे मास ऑफ कंपाउंड से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो पता चल जाएगा कि किस परसेंटेज के साथ कार्बन जो उस कंपाउंड में मौजूद है। बहुत आसान बात है, परसेंटेज कार्बन, मास ऑफ कार्बन हम कैलकुलेट कर चुके हैं 1.693 डिवाइडेड बाई मास ऑफ कंपाउंड। देखिए मास ऑफ कंपाउंड एसिटिक एसिड मास था, ये 4.24 किलोग्राम, 4.24 और मल्टीप्लाई बाय फार्मूले का 100 आएगा। करें से सॉल्व, 1.693 डिवाइडेड बाय 4.24, 4.24, 4.24 हंड्रेड 39.929%। तो दिस इज़ द परसेंटेज ऑफ कार्बन। इसको अगर हम और आसानी से लिख सकें तो ये होगा परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 39.929%। दिस इज़ द परसेंटेज ऑफ कार्बन डेट, वो जो एसिटिक एसिड कंपाउंड है उसमें कार्बन इतने परसेंट है। अच्छा, अब हाइड्रोजन कितने परसेंट होगा, क्योंकि वो एसिटिक एसिड में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। अब हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालेंगे, नाउ परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। अब बताएं इसका क्या फार्मूला होगा। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन का फार्मूला क्या था, मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई 100। यहाँ क्या आ जाएगा बताइए, मास ऑफ हाइड्रोजन, शाबाश, मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड, जिस कंपाउंड से में मौजूद है हाइड्रोजन, यानी जिस कंपाउंड से ये आया है, मल्टीप्लाई बाय व्हाट 100। अब क्या हो जाएगा बोले, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन, क्या था मास ऑफ हाइड्रोजन आपने अभी निकाला है 0.282 ग्राम, यही था ना, 0. डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ कंपाउंड तो सेम वही 4.24 और मल्टीप्लाई बाय 100। यस सॉल्व इट, 0.282 डिवाइडेड बाय 4.24 इज इक्वल टू, का बटन दबाएं फिर मल्टीप्लाई बाय 100। सिक्स पॉइंट सिक्स फाइव जीरो परसेंट, दिस इज द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। नाउ कैन यू टेल मी हाउ कैन वी फाइंड द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एसिटिक एसिड कंपाउंड, यानी जो कंपाउंड एसिटिक एसिड है उसमें कार्बन इतने परसेंट है 39.929, हाइड्रोजन इतने परसेंट है, तो ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या होगी। तो टोटल परसेंटेज कितनी होती है, 100 होती है, तो 100 में से माइनस कर देंगे कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज को, तो किसकी परसेंटेज आ जाएगी, ऑक्सीजन की आ जाएगी। नाउ फॉर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकाली जाएगी बताइए, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। अब देखें क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन इज फाउंड एज 39.929 प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज फाउंड एज 6.650। हाँ, इन दोनों को ऐड करें तो 100 माइनस लिखे 39.929 प्लस 6.650 प्लस 6.650, हाँ 46.579। अब लिखे 100 माइनस 46.579 53.41, डेट इज़ द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन डेट कंपाउंड। आपने देखा कि हमें मास ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, हमने डायरेक्ट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाल ली। क्यों, क्योंकि स्टेप नंबर टू में हमें चाहिए एम्पेरिकल फार्मूला,
हमें चाहिए मॉलिकुलर फार्मूला। तो मॉलिकुलर फार्मूला मालूम करने के लिए पहले एम्पेरिकल फार्मूला पता होना ज़रूरी है। एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करने से पहले हमें एटॉमिक रेशो पता करना ज़रूरी है। एटॉमिक रेशो मालूम करने से पहले हमें मोल रेशो पता करना ज़रूरी है। मोल रेशो से पहले परसेंटेज पता करना ज़रूरी है, और परसेंटेज से पहले मास ऑफ एलिमेंट पता करना ज़रूरी है। नहीं समझे बात को? तो पहले मास ऑफ एलिमेंट निकाला, उसके बाद परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकल गई। क्या निकली है देखो, मैं फिर से लिख देता हूँ। अब इसका खेल हो गया ख़त्म। बताएं परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या निकाली आपने? ये निकाली 39.99। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन वो रही ना 6.650। और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 53.421। ये परसेंटेज निकल गई। स्टेप नंबर टू कम्प्लीट। अभी स्टेप नंबर थ्री है, क्या नाम था उसका याद करें? मोल रेशो। मोल रेशो, शाबाश, गुड। तो स्टेप नंबर थ्री इज मोल रेशो ऑफ एलिमेंट्स, यानी जो एलिमेंट्स उनका मोल रेशो क्या है, व्हाट इज द मोल रेशो। अब मोल रेशो कैसे निकालते हैं? सबसे पहले कार्बन की बारी। तो कार्बन का मोल रेशो कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है, परसेंटेज ऑफ कार्बन को डिवाइड कर देंगे कार्बन के एटॉमिक मास से। कार्बन का एटॉमिक मास क्या है? 12। यानी किसी भी एलिमेंट का मोल रेशो निकालने का फार्मूला ये है कि उस एलिमेंट की जो परसेंटेज हासिल हुई है उसको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया जाए, तो उससे उसका मोल रेशो नंबर निकल आता है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी है? ये रही 39.9। डिवाइडेड बाय 12 से डिवाइड करो। 3.327। उसके बाद किसकी बारी है? हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का मोल रेशो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या थी? 6.650 नहीं, डिवाइडेड बाय वन। तो यही आ जाएगा 6.650। उसके बाद किसकी बारी? ऑक्सीजन की। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास क्या होता है ऑक्सीजन का? 16। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 53.421 डिवाइडेड बाय 16। डिवाइड करें 3.338। यस, स्टेप नंबर थ्री। आपको बताया था कि कितने स्टेप होंगे टोटल? 5 स्टेप्स में पहला स्टेप मास ऑफ एलिमेंट्स, दूसरा स्टेप परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स, तीसरा स्टेप मोल रेशो, चौथा स्टेप एटॉमिक रेशो। अब है एटॉमिक रेशोस निकालेंगे हम। क्या निकालने हैं अब हमने? एटॉमिक रेशो। अब इन एलिमेंट्स के एटॉमिक रेशोस कैसे निकलेंगे? स्टेप नंबर 4, इसका नाम है एटॉमिक रेशोस ऑफ एलिमेंट्स। तो पहले बारी किसी है? कार्बन की, फिर हाइड्रोजन का एटॉमिक रेशोस, के बाद ऑक्सीजन का। अब ये कैसे निकालेंगे इसको ज़रा समझना। एटॉमिक रेशो निकालने का तरीका क्या है? जो आपने मोल रेशोस निकाल लें इसके ज़रिए एटॉमिक रेशो निकलेगा। मोल रेशो में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? क्या 3.327 है या 3.338 है? तो ये लीस्ट नंबर है। अब आपने क्या करना है? इन्हीं तीनों को लिखना है और इन तीनों को इसी लीस्ट नंबर से डिवाइड कर देना है, तो फिर ये एटॉमिक रेशोज आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर पहले कार्बन है, कार्बन का मोल रेशो क्या था बोलें? 3.327। हाइड्रोजन का मोल रेशो क्या था? मैं एक दफ़ा फिर लिख दूँ, 6.650। और ऑक्सीजन का 3.338। तो आपने करना क्या है? इन तीनों को डिवाइड करना है इनमें से जो सबसे छोटा नंबर है, डेट इज़ 3.327। तो सबको 3.327, इसको भी 3.327, इसे भी 3.327। अच्छा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, नहीं 1 ही आ जाएगा ना। और इसको डिवाइड करने क्या आ रहा है? 2 point something होगा शायद, लेकिन 6.650 डिवाइडेड बाय 3.327 1.998। उसके बाद तीसरा करें, थर्ड
3.33 है डिवाइडेड बाय 3.327। वन पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो थ्री। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो एटॉमिक रेशोज़ है कैन नेवर बी इन डेसिमल पॉइंट्स। इनको पॉइंट्स में नहीं लेंगे हम, पॉइंट में नहीं होंगे, इनको एज अ होल रेशो नंबर लिखना पड़ेगा हमें। होल रेशो नंबर है तो वन, तो होल रेशो नंबर में 1.998 ये डेसिमल पॉइंट में, ये भी डेसिमल पॉइंट में है, तो आपने क्या करना है, राउंड करना है इन्हें। तो 1.9 पॉइंट के बाद अगर कोई डिजिट 5 से बड़ा हो तो सबको छोड़ देंगे और 1 को एक डिजिट बड़ा कर देंगे। 1 क्या हो जाएगा बोले, 2। इसको मत देखें, सिर्फ पॉइंट के बाद नंबर देखें, 5 से बड़ा है छोटा है, 5 से बड़ा है। तो आपने चूँकि 9 है लिहाजा ये 1 सब खत्म, 2 राउंड हो गया। इसको राउंड कैसे करेंगे, पॉइंट के बाद 5 से अगर छोटा नंबर है तो उन सबको ख़त्म कर देंगे और इसके साथ कुछ भी नहीं होगा। तो पॉइंट के बाद 0 5 से छोटा नंबर है, सब ख़त्म कर देंगे, क्या रह जाएगा, सिर्फ 1 रह जाएगा, क्योंकि ये 1.003 1 के क्लोज है और 1.998 2 के क्लोज है, समझ रहे हैं बात को, इसलिए 2 राउंड करके लिख दिया। आप स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 में क्या होगा बोले, क्या नाम है, एम्पेरिकल फार्मूला। अब निकलेगा वो जो चाहिए था, एम्पेरिकल फार्मूला, जिसके लिए हमने इतना लंबा चौड़ा काम किया। किसका एम्पेरिकल फार्मूला बोलिए, कंपाउंड का, कौन सा कंपाउंड, एसिटिक एसिड, जिसकी वजह से सारा सारी पंचायत हुई है, तो हमें उस एसिटिक एसिड का एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करना है। तो एम्पेरिकल फार्मूला इज इक्वल टू, यस, जो आपके पास एसिटिक एसिड है उसमें कार्बन भी मौजूद है, हाइड्रोजन भी मौजूद है और ऑक्सीजन भी। क्या रेशियोज हैं, कार्बन 1 1 लिखते नहीं हैं, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, यानी यहाँ पे उनके एटॉमिक रेशियोज आते हैं, तो 1 लिखा नहीं आता होता है, तो ये हो गया CH2। दिस इज़ द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड का एम्पेरिकल फार्मूला, यानी पहला आंसर आ गया। आपने गौर किया, क्या गौर किया, कि एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करने के लिए 5 स्टेप से गुजरना पड़ा। एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करने के लिए एटॉमिक रेशोज निकालने पड़े, एटॉमिक रेशोज निकालने के लिए मोल रेशोज निकालने पड़े, मोल रेशोज मालूम करने के लिए परसेंटेजेस निकालनी पड़ी थी, परसेंटेज मालूम करने के लिए मास ऑफ एलिमेंट कैलकुलेट करना पड़ा था, और मास ऑफ एलिमेंट कैलकुलेट करने के लिए डेटा इस्तेमाल करना पड़ा था इस डेट के लिए। तो एम्पेरिकल फार्मूला कंप्लीट हो गया, पहला आंसर आ गया। उसके बाद अब है मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूले में जो एटम्स होते हैं वो सिंपलेस्ट रेशोज़ के साथ होते हैं, कम तरीन नैरे सिंपलेस्ट रेशोज़ के साथ, लीस्ट रेशोज़ के साथ होते हैं। तो असल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है वो हमें मालूम करना है, इसको मिटा देते हैं। अब हेडिंग क्या होगी हमारी बताइए, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये सेकंड सेकंड पार्ट फॉर